अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप लोग? मज़े से हैं? चले जी, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ में काम करते हुए। अच्छा जी, ये बताइए आज क्या पढ़ें, क्या पढ़ने को दिल चाह रहा है? आज तो मुझे दिल चाह रहा है अपने दोस्तों के बारे में बात करने का। आपका दिल चाह रहा है? आपके कुछ दोस्त हैं? कितने दोस्त हैं? 3 दोस्त हैं आपके? और आपके, वाओ, आपके भी इतने बहुत सारे दोस्त हैं। अच्छा, आपको आपके दोस्त जो हैं क्यों अच्छे लगते हैं? क्यों अच्छे लगते हैं? वो आपके साथ फ्रेंडली होते हैं। अच्छा, और अच्छे से बात करते हैं और आपके काम भी आते हैं। वेरी गुड, मेरे दोस्त भी ऐसे ही हैं, बहुत फ्रेंडली हैं और मेरी बात भी सुनते हैं और मेरे साथ खेलते भी हैं। वेरी गुड, बिल्कुल। अच्छा जी, आज हमारे पास चैप्टर, उसका नाम है माय फ्रेंड एंड आई, यानी कि मैं, मेरा और मेरा दोस्त। ठीक है, मैं क्या हूँ, मेरे बारे में मुझे पता होना चाहिए कि मैं एज ए फ्रेंड अपने दोस्त के साथ कैसा हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरी एज ग्रुप क्या है। ठीक है, और मेरा नाम है क्या है, आपका नाम क्या है? अली नाम है आपका। वेरी गुड, आपकी क्या एज है? 6 ईयर्स है। वेरी गुड, इसी तरह से जैसे आप जो हैं वो क्लास में पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? वेरी गुड, क्लास 2 में पढ़ते हैं। वेरी गुड, आपको क्या पसंद है खाने में? मैंगोज पसंद हैं, वाओ, और बिरयानी, वेरी नाइस, स्पाइसी सी, वेरी गुड। अच्छा, अब आपका फ्रेंड कौन है और फ्रेंड को आपके क्या क्या चीज़ें पसंद हैं, तो आपको इस लिहाज से पता चलता है कि हाँ, मेरे फ्रेंड में क्या खसूसियत है, वो मेरा फ्रेंड क्यों बना है। ठीक है, अब हमारे फ्रेंड जो हैं वो क्या हो सकते हैं? वो छोटे भी हो सकते हैं, वो बड़े भी हो सकते हैं। अगर हम छोटे हैं तो हमारे फ्रेंड्स भी छोटे होंगे, स्मॉल होंगे। अगर हम बड़े हैं, जैसे हमारे पापा बड़े हैं, हमारी मम्मा बड़ी हैं, तो उनके फ्रेंड्स क्या होते हैं? उनके फ्रेंड्स बिग होते हैं, यानी कि स्मॉल और फिर बिग। ठीक है ना, कुछ चीज़ें स्मॉल होती हैं, कुछ चीज़ें बिग होती हैं, कुछ लोग स्मॉल होते हैं, कुछ लोग बिग होते हैं। ठीक है, अब आपके पास जो फ्रेंड्स होते हैं, अब किसी का फ्रेंड प्लांट होता है? प्लांट्स, पौधे, कुछ के फ्रेंड्स होते हैं पौधे, जिनको गार्डनिंग का शौक होता है। गार्डनिंग के शौक में क्या करते हैं कि आप अपने प्लांट को दोस्त बना लेते हैं। अब दोस्त बनाते हैं कैसे, आप कहेंगे है मिस, हम प्लांट को कैसे दोस्त बनाएंगे? भाई, दोस्त क्या करता है? आपका ख्याल करता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करता है ना, आपके साथ बैठता है, बातें करता है। तो आप भी तो प्लांट के साथ बैठ सकते हैं। कैसे? आप उसको पानी देते हैं, उसकी सफाई करते हैं, उसकी कटिंग करते हैं, तो फिर आप उसके साथ अच्छा सा टाइम गुजारते हैं। और जब आपको नज़र आता है कि वो रिप्लाई में क्या करता है आपके साथ, वो ग्रो होता है, वो ग्रीन हो जाता है और फिर उसमें फ्लावर्स आते हैं, फिर उसमें फ्रूट्स आते हैं, तो वो आपका फ्रेंड आपको गिफ्ट देता है। किस सूरत में? फ्लावर की सूरत में, फ्रूट की सूरत में, वेजिटेबल की सूरत में। वेरी गुड, तो इस तरह से आप अपने दोस्त के साथ में खेल सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, मज़ा आता है ना। तो अब क्या करेंगे आप? अब आप ये करेंगे कि आप देखेंगे कि आपके पास जो है आपका प्लांट स्मॉल है या बिग है, बिग है या स्मॉल है, आपके फ्रेंड्स जो हैं वो स्मॉल हैं या बिग हैं, और उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। आप अपने फ्रेंड के बारे में लिखें, उनकी खसूसियात लिखें कि उसकी एज क्या है, उसे क्या पसंद है। ठीक है, आप किसी फ्रेंड के बारे में, किसी के बारे में भी अपना उसका नाम लिखें, ठीक है, और उसके बारे में बताएं। फिर कोई भी प्लांट लें, प्लांट के बारे में बताएं कि वो प्लांट कैसा है, आपको कैसा लगता है, उसे किस चीज़ की नीड होती है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को बार बार देखना है, 3 से 4 दफ़ा देखना है, ठीक है, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए कि आपको क्या लिखना है, अपने फ्रेंड के बारे में क्या बात करनी है। ठीक है, और उसको लिखने के बाद आप जो है उसे पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।